वाईफाई का पूरा नाम क्या है? अच्छा लास्ट सवाल और सबसे सबसे अहम सवाल, मतलब कठिन है, बहुत कठिन है। और हमें ना लगा था कि जितना लोग हुई हैं हमें ना लगा था क्यों जानत हुई। पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? रुका रुका है भैया, कब हो, कहाँ बोझ ढोत है धान का? हाँ भाई ये धनवा ढोत की बनने पड़ा, बट ढोए के अकेले एकदम हालत खराब हुई। रुका अच्छा 2 मिनट नहीं उतार देता कहीं को? अरे हम कुछ ट्यूशन लेके आए हैं सिवान से पूछे खातिर। तू यार जब देखा तब ट्यूशन लेके आओ तो एक को जोन हुए तो और ट्यूशन सही हो तो ना। एक मिनट नहीं उतार दे, 2 मिनट ओकरे बाद तब देखे सिवान से कुछ ट्यूशन। अरे सिवान सो जगह बोझ उतरवाओ था सीधा चला। हाँ देखा सिवान का सीधा चला। अरे ट्यूशन लेके आए तो उसे कुछ पूछा ना बताइबा कहे। अरे भैया आज कुछ अलग क्वेश्चन लेके आए और देखी आज हमके ना लगा था तू बता ले पे। अरे भाई तू लोग बहस के चक्कर में हमारे गर्दन पिराए लागो। एक मिनट खाली अच्छा रुका हम उतरवा देते यावा। अरे भाई रुका रहा मन बने रुके। अरे ये बड़ा भारी है भैया। अरे भाई रुक जा धीरे से उतार आराम से। एक मिनट बस तू यार ने रोहित पहले आ जावा करा जाना काम धाम करत के मत आवा करा भाई। रुक जा 2 मिनट खाली हम ओक देता बस 2 मिनट। चल अच्छा देखा कौन प्रश्न पूछा? देखिए आज हम कुछ अलग क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए शिवांश बतावत है कि ना। आज पूछी तो पूछी पूछा फटाफट पूछा बता ले बा। बता ले। चलो बता दिए तो ये बतावा वाईफाई का पूरा नाम क्या है? सही बताए ना? एकदम सही है। हम तो ये सोचे कि आज कुछ अलग क्वेश्चन लग चली देखी शिवांश बता। मतलब तू इतना बड़ा हुई है लेकिन शिवांश के फसावे के चक्कर में पड़ा था हम जाना थे। अच्छा देखा सब हम रात में 11 बजे बैठ के सब लिखे है और लिख के हम सोचे चल अब सुबह शिवांश से सब सवाल करब। आज तई भैया पिठिया खजुआ देते रुका हम साफ कह देते झूठे परेशान है धनवा तुम खजुआ देखा थे। चला सही है। अच्छा पहले बैठा तब जवान बैठ जाओ बैठा चला इनकर प्रश्न के जवाब तू दो फटाफट भैया थे। ये बतावा एफएम का पूरा नाम क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। विश्व में प्रथम रेल किस देश में चली थी? इंग्लैंड में। सही बताओ था सही बताओ था यार कुल प्रश्न फेल हो गई ठीक है। तू पहले खुद अपन याद करा अपने की अब ऐसा लगा था ना कि अब ना बनावे मांगा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ही बतावा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा था PMGKY का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तू देखा भैया प्रश्न जिन तैयार कर लेके आया होगा तुम्हारा प्रश्न शिवान से इनका नाम कहा जाना था शिवांश। इनका नाम टाइगर है। ये तो देख सुने रहे कि इनका नाम टाइगर है। हाँ। अच्छा अगला क्वेश्चन कौन सी योजना LPG सब्सिडी से संबंधित है? उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री जी गैस सिलेंडर चालू कर रहे हैं मोदी वाला ना भाई। हाँ। तो क्यों पता हो ही ना है लेकिन ये जो LPG सब्सिडी वाला नियम चालू भरा है ये उज्ज्वला योजना में ही चालू भरा है। अच्छा लेकिन इसका नाम जो शिवान सही बताएं तो बहुत ना तो और क्वेश्चन हो बस करी जादव शिवान जी बताओ चलिए और दो चार थे और अब पूरा कह ले देख ले। अरे जादव शिवान कुल बता लिए का परेशान होते हैं हमें तो ना लगा था कि इधरिया बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है इधरिया तो आसान बनाए रहे। अब कुल तक तुहार इक्कल डिफिकल्ट तुहार भीतर चला जाए समझा कुल बता दी जाए हम लोग जाती घरे। एक मिनट रुका रहा चलो। अच्छा खुशबीर कौर किस खेल से संबंधित है? कौन से दो रंगों के मिलाने से हरा रंग तैयार किया जाता है? नारंगी और बैगनी। तू हमारे मुंगा का ताकत है हमारे मुंगा का ताकत है तो ही तैयार करके लेके आया तू तो अपन देखा। कौन सा काम मरने के बाद लोग भी कर सकते हैं? अंगदान। ऐसी कौन सी चीज है जो लोहे को खींच सकती है? चुंबक। किस देश में दुनिया का सबसे ज्यादा डाकघर है? तो प्रश्न गलत बताए ना एकदम जब भी प्रश्न लिखावा करा ना थोड़ा एकदम जबरदस्त लिखावा करा शिवांश के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन अगर हम खोजो भाई क्वेश्चन हाँ
पीछे भी है। तब जल्दी जल्दी पूछा यार, हम बाजारे जाए को जाना था ना। अरे तो थोड़ा सा रुका रहा तनी आराम से तब पन्ना उठा के चल दे बस के। शिवांश कहाँ है, शिवांश कहाँ है? ए शिवांश, अच्छा ये बताओ कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है बाबू? जयपुर। सही बात, जयपुर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। भैया हमें ना पता है, नहीं पता है, तुम्हें पता है, फटाफट पूछा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मंगिफेरा इंडिका। अभी तक शिवांश के राष्ट्रीय फल के नाम सुने रहे कि आम बतावत रहे, लेकिन वैज्ञानिक के नाम कैसे इनके पता हुई है? तो पूछा ही वैज्ञानिक खुद है, पूछा खाली। देखा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा टिग्रिस। अच्छा ये बतावा, इतना तोरे दिमाग में आवत है कहाँ से? मम्मी हमने सिखावा थी। मम्मी तुम्हें कुछ सिखाए है? हाँ मेहनत करत हम जाना थे, मेहनत करत। बहुत परफेक्ट जवाब दिए हैं। चला और पूछो अगला क्वेश्चन। बताओ कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है? सफेद रंग। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सही जवाब, एकदम सही जवाब। यार अभिंत हमें ना पता रहा कि नरेंद्र मोदी कौन स्टेडियम बनवाया है। नहीं नहीं बना बना अहमदाबाद में बना है ना। बना है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से बना है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ शिवांश, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। ऐसी कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? अंडा। अच्छा लास्ट सवाल और सबसे सबसे अहम सवाल, मतलब कठिन है, बहुत कठिन है, और हमें ना लगा था कि जितना लोग हुई हैं हमें ना लगा था क्यों जानत हुई। रुका हमारे जुकाम पहले पकड़े हो, खास लेवे द। बता दिए भैया जब सवाल लिया जाना। जैसे कुल बता दिए वैसे यू बता दिए, बहुत कठिन कठिन ये सवाल लेकर हम देखा है ना। लेकिन ये जो सवाल है ना हमें तो खुद ना पता रहा, लेकिन जब सवाल तैयार करे लगे तब तो हमें पता चला कि मतलब तुम्हारी जो सवालिया जो बतावत है ना ऐसे मरिए एकदम क्रिकेट जो जैसे धोनी मारत है गेंदवा छक्का चला जाते, अब ऐसे मरिए उड़ को बाहर चला जाये तैकी भरे सही में। और का चला तब आज हाँ। देख लास्ट सवाल अगर बता देवे तो हम जान जब की तुम्हें सब कुछ पता हो। अच्छा बतावा पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कूट शब्द। कूट शब्द सही है, एकदम परफेक्ट। ये देखी थे कूट सब, बहुत अच्छा शिवांश। देखा मारे केहू के छक्का मारे कि ना शिवांश? छक्का कहां, बहुत कईयो छक्का मारे हैं शिवांश। और हम लोग का जायद बहुत टाइम हुए तोरो बहुत धन्यवाद। चला धन्यवाद शिवांश, धन्यवाद, थैंक यू। ये बोज उठाओ थे, चला हम उठा देते हैं। वजन बहुत, वजन बहुत वजन है। चला चला घर चलबा कि रुकबाई है? नहीं चला पा करी, चला तब बाजारे, चला बाजारे चलबा। हाँ चला बाजारे, शिवान चलिए का बाजारे। तब यार फटाफट चला भाई।